अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो फ्रेंड्स। इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक से होंगे। आज की रेसिपी मेरी खीमे की है, जो कि एक अलग तरीके से बनाई हूँ, बहुत इजीली बनी है। अगर आपको खीमा मशीन का नहीं चाहिए आप, तो ये मैंने कुटवा कर ली हूँ। कुटवा के खीमे से कैसे ना बहुत अच्छा टेस्ट होता है, इसीलिए मैंने कुटवा के ली हूँ। आप चाहो तो मशीन का भी ले सकते हो। मेरे स्टाइल से आप बनाना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो कीजिए, और चलिए बनाते हैं किस तरीके से मैंने इसे बनाई हूँ। बहुत ईजी बनता है ये। आइए आइए फ्रेंड्स, बता दो किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो ये मेरे पास में 3 ऑनियन है, चॉप कर लिए इसे बारीक सा मैंने, और ये बाकी का 3 कांदा जो है ये मैं पीसने में रखूँगी। 1 स्पून बड़ा वाला मेरे पास में काली मिरी है, और ज़ीरा है, और हरी मिर्चियाँ। थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा है, आप डरे ना, क्योंकि आधा किलो के हिसाब से ये बराबर है। ये हरी मिर्ची थोड़ी जो मोटी होती है वो तीखी कम होती है, इसीलिए इसके मैंने ज़्यादा रखी हो। और ये मेरे पास कोरिएंडर है, कोरिएंडर का माप थोड़ा ज़्यादा रखें, टेस्ट अच्छा होगा इसके लिए। और अदरक लहसुन मेरे पास में 3 स्पून है, तो और ये इसमें बटाना ग्रीन पटाना है, और ये सुई की भाजी है तो हमने इसे भी डालना है। और ये आधा किलो जितना मेरे पास में कीमा है। अगर आप हाथ का नहीं ले सकते हो, मोटा मोटा है मेरा कीमा, लेकिन आप कीमा हाथ का भी मशीन का भी ले सकते हो। इस पे कांधा हम इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, फिर हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। ये हरी मिर्चियाँ, ये काली मिरी, ज़ीरा इसमें डाल देंगे, और ये ऑनियन भी इसमें डाल देंगे, और ये पुदीने के पत्ते भी इसी में ऐड कर देंगे। ये हो चुका गोल्डन ब्राउन, जितना हमारा कांदा हो गया, अभी हमने इसमें खीमा ऐड कर देना है। खीमे को थोड़ी बिसान वगैरह जो भी होगी स्मेल, वो रिलीज हो जाएगी जब हम तेल में इसको ऐसा भूनते हैं। तो अक्की धनिया, सौंफ का पाउडर है ये, जो कि मैं इसे पीस के रखी हूँ भून के सब्जियों, और ये गरम मसाला पाउडर है, जो कि ये बेसिक है, आपके पास होगा। और आधा स्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है, इसे भी हम ऐड कर देंगे। 5 से 10 मिनट इसे भून ले, जितनी भी बास होगी ये पूरी रिलीज़ हो जाएगी मटन की। तो हमने इसी तरीके से 5 से 10 मिनट इसे भूनना है, बाकी का हमारा जो मसाला पेस्ट बना के रखें वो ऐड कर दें। ये 5-10 मिनट इसे भून ली मैंने, अब इसमें अदरक लहसुन ऐड करेंगे, कि अदरक लहसुन को इसे थोड़ा देर भून लेंगे। ये 5 से 10 मिनट इसे भून लें, तो ये भूनने से क्या होगा, टेस्ट इसका अच्छा होगा, अदरक लहसुन की महक रिलीज़ हो जाएगी इसके लिए। और अभी हम ये वाला पेस्ट जो बनाए कोरिएंडर का और काली मिर्ची और हरी मिर्चियों का, ये ऐड कर देंगे। ये भी थोड़ा 5 से 10 मिनट भून कर हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम ड्राई बनाने वाले हैं इसे, इसीलिए। ये देखें, 1 कप पानी इसमें मैंने, ये चाय के कप से 1 कप पानी इसमें ऐड कर दिया, और इसी में हम बटाना भी ऐड कर देंगे। बटाने के बाद में ये सोई की भाजी भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने इसे ऐड किया। होटल में भी ऐसे ही ऐड करते हैं थोड़ा सा। और इसमें अभी नमक हम ऐड करेंगे, 1 स्पून, 1 स्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखें, नमक टेस्ट करके आप चख सकते हो, तो उसमें कम ज़्यादा कर लेना। ये हो, ये हो चुका। देखिए कीमा कितना कलरफुल और ड्राई हो गया। और इसे हम सर्व करते हैं। मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मुझे बताइए प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।